कांगड़ा जिले के मुमता गांव निवासी 30 वर्षीय युवक की रविवार को बीड़ के पास पैराग्लाइडर से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार पीड़ित के साथ आए पायलट ने सुरक्षा हार्नेस और बेल्ट ठीक से नहीं कसी थी। धर्मशाला में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक पृथ्वी पाल सिंह ने बताया कि ये मानवीय भूल का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पायलट द्वारा हार्नेस को ठीक से नहीं कसा गया था। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और हम आज शाम एसटीएम और डीएसपी बैजनाथ के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बैठक के बाद अधिक जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। पिछले कल मुझे खबर मिली कि वहाँ पर पैराग्लाइडिंग के इवेंट्स में टेंटम फ्लाइट में जो टूरिस्ट था उसका फ्री फॉल हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई है। तो अभी प्रारंभिक तौर पे जो भी मुझे अभी सूचना मिली उसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा ह्यूमन एरर था, कुछ हार्नेस में प्रॉब्लम थी जिससे वो लूज होके जो टूरिस्ट था वो उसका फ्री फॉल हुआ है। तो इसमें पुलिस जाँच चल रही है, देखते हैं क्या ऊपर के सामने आता है। और इसी विषय पर आज मैंने एसटीएम बैजनाथ और डीएसपी बैजनाथ और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशंस के साथ एक मीटिंग रखी हुई 4 बजे, तो उसमें देखते हैं कि जो उनके सेफ्टी मेजर थे कितने उन्होंने उनकी पालना की है और क्या कमी है जिसमें टूरिस्ट जो वो सेफ रहे, वो जाके थोड़ा मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। हादसा जब भी होता है चाहे वो हवा में हो चाहे वो ग्राउंड में हो, उसमें एक ह्यूमन एरर की गुंजाइश तो रहती है। वही आज हमने जाके देखना है पैराग्लाइड एसोसिएशन के साथ बातचीत करके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके कि क्या कोताही है, क्या कमियां हैं, जिसको दूर करके हम जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर सके। कांगड़ा पुलिस ने पीड़ित के साथ आए 22 वर्षीय पायलट के खिलाफ प्राथमिक तौर पर आईपीसी की धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया है। एसपी कांगड़ा खुशाल शर्मा ने बताया कि जांच जारी है और उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडर से गिरकर युवक की मौत पर मामला बैजनाथ थाना में दर्ज किया गया है। दोषी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पायलट के लाइसेंस की प्रारंभिक तौर पर जांच जारी है। मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पिछले कल ये हादसा हुआ है बीड़ विलिंग एरिया में, जिसमें कि 32 वर्षीय एक नगोटा वासी की युवक की दुखद मृत्यु हो गई है, जो कि टैंडम फ्लाइट कर रहा था और वो एक मकान की छत पे गिर गया। इस मामले इस संबंध में थाना बैजनाथ में जो है मामला हमने दर्ज कर दिया है और जो दोषी है उसको भी हमने इस मामले में जो है वो शामिल करके इसको पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी इस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, प्रारंभिक जांच है अभी तो आज कल का ही मामला है, तो अभी आज पोस्टमार्टम वगैरह हो उसके बाद आइए इसमें आगे तफ्तीश करेंगे। जो जिसका लाइसेंस है इसकी बैकग्राउंड क्या है और जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं वो वेदर फुलफिल की है कि नहीं की है, इन सारे पहलुओं का पुलिस जो है जांच करेगी। धारा 336-304 में मामला हमने दर्ज किया है और तफ्तीश के दौरान कोई भी शख्स और भी आते हैं तो हम धाराएं जो हिसाब से पुलिस की जो है ऐड हो जाती है। कारण क्या रहा सर एक्सीडेंट का, कारण क्या रहा? कारण तो तफ्तीश में, अभी तफ्तीश तो शुरुआती हुई है, कारण तो उसका पूरी जब तफ्तीश होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।